देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे संवाददाता जा रहे हैं अलग अलग विधानसभा और अलग अलग क्षेत्र में और जान रहे हैं जनता का मूड क्या है। और आज हमारे संवाददाता निकले हैं सरोजनी नगर की विधानसभा सीट में और जान रहे हैं जनता का मूड क्या है। तो कुछ अजीबो गरीब जवाब भी सुनने को मिले, तो अपने प्रत्याशियों के प्रति प्रेम भी देखने को मिला। तो आप भी देखिए कि कैसा है जनता का चुनावी मूड। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाय पे चर्चा तो बहुत हुई होंगी, फिलहाल आज हम चलते चलते चर्चा करने पहुंचे हैं यहाँ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर लोगों के बीच में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। यहाँ के लोगों का क्या कहना है, कौन सा वो विधायक चुनने वाले हैं और उनका क्या राय है उनके विधायक को लेकर, सीधे बात करेंगे यहाँ के लोगों से। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हम एक चाय स्टॉल पर खड़े हुए हैं जहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा विधायक अपना चुनने वाले हैं, क्या वो चाहते हैं अपने विधायक से। तो आइए सीधे बात करते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? सुजीत यादव जी। सुजीत यादव, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कहाँ, थोड़ा सा बताएं प्लीज। एलयू में। एलयू में, तो अभी ये बताइए 2022 का विधानसभा चुनाव अब सर पे है, आप जानते हैं बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो अब आप ये बताइए कि क्या चाहते हैं। ये सरोजनी नगर विधानसभा है और इसमें मौजूदा विधायक यहाँ की स्वाति सिंह है, तो स्वाति सिंह के रहते पहले तो ये बताइए कि स्वाति सिंह से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं? विगत 5 सालों में स्वाति सिंह जी विधायक थी, उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य सरोजनी नगर विधानसभा में नहीं किया गया है। अब इस बार जनता बीजेपी को 403 विधानसभाओं में सफाया करने जा रही है जी। बीजेपी जो है पूरे 10 मार्च को बीजेपी सफाया होगा पूरे उत्तर प्रदेश से जी। 403 विधानसभाओं से जी। और स्वाति सिंह जो है उनका यहाँ सरोजनी नगर के जनताओं में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। ऐसा कुछ बताएंगे कि कौन से विकास कार्य नहीं हुआ है, किस क्या चीज आपने सोचा था जो नहीं हुआ? उनको बताने के लिए कोई कार्य जब किया हो तब तो बताएंगे, कोई कार्य उन्होंने विगत 5 सालों में कोई कार्य नहीं किया तो बताएं क्या जी। अच्छा, बाकी ये है कि आप 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि वो ज्यादा काम कर पाएगी, आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएगी? माननीय अखिलेश यादव जी का प्रोग्रेसिव व्यक्तित्व है, उनके विचारधाराओं को हम लोग जो है सरोजनी नगर विधानसभा में जिताएंगे जी। समाजवादी पार्टी जी, इन्होंने तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के लेके बात की है और अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है हमारा। अभिषेक जी, क्या करते हैं आप? मैं LLB का छात्र हूँ। LLB का छात्र हैं। अभी बताइए सरोजनी नगर विधानसभा को लेके आपके मन में क्या चीज़ चल रही है? सरोजनी नगर विधानसभा देख लें या पूरे उत्तर प्रदेश देख लिया जाए तो हमको भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, वादा खिलाफी करी है भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस तरह से मैं जहां तक देखता हूं, नौजवान जिस तरह देख रहा है कि अखिलेश जी की तरफ देख रहा है, अखिलेश जी ने जो 2012 से 17 के बीच में जो वादे किए थे, जिस तरह से उन्होंने वादों को पूर्ण किया है और आगे जो वादे किए हैं, जिस तरह से नौजवानों को रोज़गार देने का काम किया है, अभी मैं पिछले दिनों में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो 22 लाख रोजगार केवल IT सेक्टर में देने का काम कहने कहा है कि देंगे। और उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम, जो सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत बड़ी राहत मिलेगी उनको, बुढ़ापे का उनको सहारा मिलेगा। और सरोजनी नगर में विकास का काम जो था वो समाजवादी पार्टी ने किया, जो सड़कें समाजवादी पार्टी की सरकार में बन गई थी उनको दोबारा नहीं बनवाया गया और कोई भी एक नई सड़क का उद्घाटन नहीं किया गया। अखिलेश जी के समय में सरोजनी नगर विधानसभा में तमाम ऐतिहासिक काम किए गए, जैसे मेट्रो की शुरुआत भी सरोजनी नगर विधानसभा में हुई, SCL सिटी की शुरुआत सरोजनी नगर विधानसभा में,
हमारा स्टेडियम भी सोई नगर विधानसभा में, लोकबंधु अस्पताल में 300 बेड भी बढ़े, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में ही बढ़े, और तमाम ऐतिहासिक काम जो सोई नगर विधानसभा में हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जनता को और युवाओं को निराश किया है, और युवा हो या गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सब अखिलेश जी की तरफ देख रहा है, और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बाकी आपसे आप क्या कहना चाहेंगे, आपसे अगर हम जानना चाहें, जिस तरीके से अस्पतालों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अस्पताल का काम किया है, लेकिन फिलहाल जैसा कहा जाता है कोरोना काल, आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 से कोरोना काल चल रहा है, उस 2020 में ये बोला जाता है कि जिस टाइम पे मदद की ज़रूरत थी उस टाइम सपा जो थी वो अपने घरों में ट्विटरबाजी कर रही थी, लेकिन भाजपा ने बीच सड़क पर उतर कर लोगों की मदद करी है, ऑक्सीजन वगैरह मौजूद कराए हैं और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई। आप तो जानती हैं ऑक्सीजन की कमी कितनी हो ही गई थी। भाजपा तो जितनी भारतीय जनता पार्टियों ने अपनी रैली में जितनी गाड़ियां उतारी हैं, जो रैली में यात्रा के लिए अपनी बसें चलाती हैं, वो कोविड काल में मरीजों के लिए काम करती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। इससे अच्छा हम नवयुवक हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं, अखिलेश भैया के साथ हैं, हम जहाँ अखिलेश भैया रहेंगे वहाँ हम लोग रहेंगे। अखिलेश भैया जिंदाबाद। योगी सरकार ने नवयुवक के लिए कुछ नहीं किया, नौकरियां तो बहुत आई लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई। नौकरियां तो उन्होंने बहुत दी, मतलब बहुत ली थी, कितने पेपर लीक हुए, लेकिन पेपर लीक होते होते ज्वाइनिंग किसी की नहीं हुई। सारे नवयुवक अभी भी तब पेपर देते रहते हैं और नौकरी रद्द हो जाती है। इसीलिए अब इस बार हम नवयुवकों ने वो पूरी एकता के साथ अखिलेश भैया को लाने की पूरी कोशिश की है। बाकी तो वो बोलते हैं कि सबको, नवयुवक की बात करते हैं कि नौकरी नहीं दी गई, लेकिन मोदी सरकार जो भाजपा सरकार है उनका कहना होता है कि सबका साथ सबका विकास और उसको ले के चल रहे हैं, और तमाम स्कीमें और तमाम चीज़ें उन्होंने निकाली हैं, तो वो उस पर आप क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ऐसा है? अगर सही से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वादे आपने बहुत सारे सुने होंगे लगातार, मोदी जी के माध्यम से, योगी जी के माध्यम से, अमित शाह जी के माध्यम से, एक भी वादा अगर पूरा किया हो अब तक इन 7 सालों में, 5 साल की सरकार उनकी जो ये पूरी होने जा रही है, और जो 2 साल की सरकार उन्होंने 3 साल की पूरी कर ली अपनी केंद्र की, इन सारी सरकारों को देखते हुए आप अगर एक वादा सही से कोई हमें गिना पाएँ, या इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, कोई भी उनका भक्त बैठा हो यहाँ पर, वो बता पाए हमें, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया अब तक, एक भी वादा। युवाओं से वादे किए, किसानों से वादे किए, और बहुत सारे वादे किए, जैसे कि अभी भाई साहब देखो बोलना चाह ही रहे थे कि 370 जो है उन्होंने वहाँ पर लागू किया, 370 से आदमी का पेट भरेगा? यहाँ समस्या जो है युवाओं को लेकर है, जो इस समय देश का लगभग लगभग जो वोटर है वो युवा हो चुका है, और उस युवा के लिए देश के प्रधानमंत्री ने, देश के मुख्यमंत्री ने, जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की स्थिति हो रही है युवाओं को लेके, उस स्थिति पे लेके कोई काम नहीं हुआ, वादे बहुत सारे हुए, और उन वादों को लेकर अगर देखा जाए तो सरकार को सिर्फ और सिर्फ हारना है यहाँ पर, और कोई बात नहीं कहनी मुझे, सिर्फ सिर्फ सरकार हारेगी। अभी आचार संहिता लगने से पहले ये हुआ था कि पोस्टर वार एक तरीके से शुरू हो गया था, जो जगह जगह पे भाजपा ने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए थे, उसमें 2 तस्वीरें दिखाई गई थी कि 2017 से पहले जो थी कि सपा सरकार में इस तरीके का था कि सपा सरकार में क्राइम ज़्यादा हो रहा था, सुरक्षा नहीं हो रही थी, और अब जो भी क्राइम होता है वो क्राइम में तुरंत एक्शन लिया जाता है, उनकी अरेस्टिंग होती है, महिलाओं को लेकर सुरक्षा है, और सपा सरकार में महिला सुरक्षित नहीं थी और उनके साथ कई ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, इस तरीके से कई उन्होंने पोस्टर इस तरीके लगे, उस पर क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप बात कर रहे हो, कुलदीप सिंह सेंगर जी का नाम आपने खूब सुना होगा उन्नाव से, भाई साहब के लिए कितनी सुरक्षा दी गई, इतने सारे केस लगे, उस महिला का क्या हाल हुआ आपने देखा, उसके साथ साथ में जो भी आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें बीत रही हैं सबके ऊपर सुरक्षा को लेके, अभी आप देख रहे हैं उनका नाम सुना है आपने, जो भाई साहब जिनका बार बार जो है भारतीय किसान यूनियन के लोग विरोध करते चले आ रहे हैं, अजय सिंह जी का लगातार जो है उनके लिए मांगे हो रही हैं कि उन्हें जो है पार्टी से निष्कासित करिए, फिर भी वो जो है केंद्रीय मंत्री बने बैठे हुए हैं, तो ये किस तरह से हम मान लें कि सरकार ने कोई अच्छा काम किया है? किसी तरह से कोई न्याय नहीं मिल रहा किसी को, सिर्फ दिखावा है, छलावा है, और इस छलावे से जो है हमारा जी उब चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी का विनाश तय है।
उसे कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी जैसा एजुकेशन को लेके बात करते हैं तो बोला जाता है कोरोना काल में जैसे पढ़ाई का बड़ा लॉस हुआ, लॉकडाउन हुआ, स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, तो उस टाइम पे इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की चीज़ें निकाली। अब भी ये है कि कोरोना का फिर से एक बार बढ़ रहा है, उसके चलते भी उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस वगैरह के लिए किया है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि बच्चों का लॉस नहीं हो रहा, तो उस पर क्या कहेंगे? किसी के पास ऑप्शन ही क्या है, यूएस में भी यही हो रहा है, यूके में भी यही हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, तो दैट इज गुड राइट। वी आर फॉलोइंग जो कि बाहर हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। हमेशा कोई भी आता है सरकार बनाता है बोलता है जो अमेरिका में हो रहा है हम बना देंगे, लालू जी आते हैं बोलते हैं हम बिहार को अमेरिका बनाएंगे, तो अगर अमेरिका बन रहा है तो किसको प्रॉब्लम किसको है? तो भाई साहब बात कर रहे थे अजय की तो अब क्या करें, अगर मेरा बेटा जाके किसी को मार डाले तो मैं क्या करूँ, बाप को फांसी पर लगा दूँ? नहीं कर सकता। ठीक, बात की उन्होंने सेंगर जी की, तो क्या हुआ अगर आपके वो कल चोरी का इल्जाम लगा दे तो क्या करें, पकड़ के फांसी पे लगा दूं आपका? अरे केस चल तो रहा है, हाँ जी ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, पहली चीज़ डू दे नो नंबर्स, उनके पास एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं? नहीं है। उनके पास किसानों को कितना पैसा गया डायरेक्ट? दे डोंट हैव नंबर्स। पीपल जो यहाँ बात कर रहे हैं उनको मैं बोल दूँ कि एक नंबर निकाल के ले आएँ कि कितने परसेंट GDP हमारी, स्टेट की GDP बात कर रहा हूँ, देश की हटाइए, स्टेट की GDP कितनी, रुक जाइए मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए आप लोग उसे। हाँ बात, स्टेट की GDP जब बढ़ेगी तो देश की अपने आप बढ़ेगी, आप ये समझिए मैं ये कह रहा हूँ। हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कितना ऊपर गए किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। स्वच्छता रैंकिंग में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे किसी को मालूम है? कोई बोलेगा ही नहीं, क्यों? बिकॉज दे हैव देयर ओन एजेंडा, दे बिलोंग टू अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, दे हैव अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आई डोंट हैव इट। लेकिन मुझे आई एम अ पर्सन हु इज फ्रॉम IT, मैं IT में काम करता हूँ, मुझे पता है, मैं से पढ़ रहा हूँ, मुझे चार सरकारों की बातें पढ़ता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी जी अच्छे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे YSR रेड्डी अच्छे नहीं है, ही इज ऑल्सो डूइंग गुड, वो BJP के नहीं है बट आई सपोर्ट हिम। ठीक है, तो मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इससे है कि यहाँ पे जो लोग भाषणबाजी कर रहे हैं उनसे अगर आप एक बार नंबर्स पूछ लीजिए, किसी भी चीज़ के नंबर्स नहीं हुए, क्राइम के नंबर्स, एक बंदे का नाम उठा के बोल दो ये तो बुरा हो गया, अरे क्राइम के नंबर्स निकालो तुम्हें अपने आप पता लगेगा FIR कितनी फाइल हो रही है, कितनी सॉल्व हो रही है। ठीक है, पूछ ले रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी गैंगस्टर का नाम बता दीजिए जो आज की डेट में एक्टिव हो। ठीक है, और जेल में ना। थैंक यू। नहीं एक सेकंड मैम, पूछ लेने दीजिए, किससे बड़ा भैया? वो रक्षक है, उसके उनके ऊपर तो 500 ऐसे तो महात्मा गांधी के ऊपर भी मुकदमे ठोके गए थे। योगी जी को तुम गैंगस्टर से जोड़ रहे हो, प्लस से आ रही है। मुख्तार अंसारी जब बंदूकें लेके निकलते थे तब योगी जी बंदूक लेके निकलते थे उनकी रक्षा के लिए, आजमगढ़ में खुलेआम बंदूकें लेके निकलते थे मुख्तार अंसारी, वो समय भी देखा है। 300 प्लस से आ रही है, हम भारतीय जनता पार्टी से 35 वर्ष से कार्यकर्ता हैं, तब जा करके एक परिवारवाद की पार्टी से एक संगठन की तुलना नहीं की जा सकती। मैं 20 साल समाजवादी पार्टी को देने को तैयार हूं, क्या मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं? कभी नहीं, वो अखिलेश के बेटे ही अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मेरी बात समझ। संगठन ये होता है, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मंडल 5 मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष तैयार करते हैं, उनके यहाँ मनोनीत किया जाता है, और हम नेशनल लेवल में, वो अपने स्टेट लेवल में भी अपना नहीं बचा पाए हैं, और वो कहते हैं हम आएंगे, अरे चलो हम 40-50 कम हो जाएंगे लेकिन हम आएंगे, है ना। मैं 20 साल देने के बाद यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं, हर आदमी संगठन में किससे जुड़ता है कि मैं समाज की सेवा करूँ, व्यक्ति की सेवा करूँ, शिक्षा की सेवा करूँ, मैं सेंटर में जाऊँ, मैं स्टेट में जाऊँ, मैं PM बनूँ। 20 साल हमने सेवा करी और उनके लड़के बड़े हो गए, उन्होंने कह दिया ये अध्यक्ष हैं, और ये आज भी समाजवादी पार्टी में 30-30 साल 20-20 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो इतने बुद्धिजीवी हैं, लेकिन वो CM नहीं बनेंगे, यही परिवारवाद है, उनका बेटा ही अगला बनेगा। और शिवपाल जी ने साइकिल में, हम लोग के सामने साइकिल में चले हैं इटावा में, और जिस पल्ली में वो सोते थे उसी को उड़ते थे, वो अलग कर दिए गए, जड़ नहीं है। अगर जिस दिन चीफ मिनिस्टर का नाम अखिलेश जी अलग करके अपने कार्यकर्ता पुराने को ऊपर कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा ये परिवारवाद नहीं। कांग्रेस में कोई बन सकता है PM? बताए नहीं बन सकता। संगठन का मतलब होता है कि एक छोटा बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख एक PM पद और CM पद तक जाए, अगर वो नहीं जा सकता वो संगठन नहीं है, वो एक परिवारवाद है।
बाकी आप जिस तरीके से अखिलेश यादव के लिए बात करते हैं, तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ही बने थे तब उस टाइम पे उनके पिताजी और उनके चाचा ने ही ये बात रखी गई थी कि वो ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, और ये चीज़ बात सामने आ गई थी कि उनके मार्गदर्शन पर चल रही है, ना कि अखिलेश यादव के। इसी वजह से परिवारवाद हुआ था, इसी वजह से दिक्कत है, नहीं चला पा रहे। दो दो उप मुख्यमंत्री उनको दिए गए, इसलिए किस लिए उप मुख्यमंत्री दिया गया योगी जी को? एक मुख्यमंत्री होता नाम के लिए, दो मुख्यमंत्री किस लिए दिए गए उनको? सरकार चलाने के लिए। अखिलेश भैया ने तो अकेले सरकार चलाई, और सरकार कितनी अच्छी चलाई ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। लखनऊ कितने, पूरा प्रदेश आप देख रहे हैं, पूरा चमक रही है। इसीलिए आप, हम लोग फिर नवयुवक जितने हैं सब अखिलेश यादव भैया के साथ जाएंगे। इस बार सरकार बनानी है 2022। तो सरकार चलाने की आप बात कर रही हैं कि अखिलेश जी सरकार नहीं चला पाए, 5 साल की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में कभी ये नहीं हुआ कि गंगा नदी में लाशें तैर रही हों? कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी आपने नहीं देखा होगा कि गंगा नदी में लाशें बह रही हों, लाश जलाने के लिए लकड़ियां ना मिल रही हों? इतनी हाहाकार जो कोरोना काल में देखा गया है, जो भारतीय जनता पार्टी है झूठे पोस्टर लगा करके जनता को भ्रमित करना चाहती है, अब जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। अब जनता मुद्दा अपना रोजगार, बेरोजगारी जो मुद्दा है वो मुद्दा है, जो मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाने का काम इन्होंने किया था मुद्दा ही बिल्कुल नहीं है चुनाव में। अब विकास के नाम पर चुनाव होगा और अखिलेश जी एक बार दोबारा सीएम बनने का काम करेंगे। नहीं, आप जिन लकड़ियों की बात कर रहे हैं, जिन उनकी बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में, उस टाइम तो आप देख ही रहे थे एक हाहाकार मचा हुआ था। उस टाइम जो मौतों का आंकड़ा था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से लकड़ियाँ कम हो ही रही थी, जिस वजह से किसी को विकल्प नहीं मिल पा रहा था। उस टाइम इतनी चरम पे सारी चीज़ें पहुँच गई थी, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। उसमें ये कहना कि बीजेपी की वजह से हुआ है तो मैडम, तो भारतीय जनता पार्टी एक पहली ऐसी सरकार है कि आपने हमेशा सुना होगा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैंने हमेशा देखा है कि जो आदमी मृत होता है उसकी लाश घर से जाके शमशान जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है कि गाजियाबाद में इनकी सरकार में एक शमशान घाट बना, वहाँ पे 14 लोग दबके मर गए क्योंकि वहाँ की छत गिर गई। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि शमशान से लाशें घर आई हों तब शमशान वापस गई हों। यह भारतीय जनता पार्टी का विकास है, यह भारतीय जनता पार्टी का विकास है। ये झूठे पोस्टर जो लगाने का काम कर रहे हैं, ये जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। तभी हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने सपा को लेके काफ़ी चीज़ें बोली हैं। उनका, उन सभी का ये कहना है कि सपा में अखिलेश यादव ने बहुत सारे काम किए हैं और मौजूदा लगातार करते आ रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग बीजेपी ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। उनके रहते काफ़ी चीज़ें अभी मिस हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं। हमारे साथ फिलहाल और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो किसको अपना नेता चुनना चाहते हैं, क्या कहेंगे यहाँ के लोग। क्या नाम है आपका? शुभम यादव। शुभम जी, अभी ये 2022 का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, उस विधानसभा को लेकर आप किसको अपना विधायक चुनना चाहेंगे, किसको अपना नेता चुनना चाहेंगे? नेता एक ही अच्छा है, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो अखिलेश यादव ही क्यों आपकी पसंद? क्या ऐसा खास है अखिलेश यादव? अब योगी जी ना तो नाम सारे बदल रखे हैं, ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहे हैं। लैपटॉप बोले कि अभी मैं लैपटॉप दिया, जब चुनाव आने की तैयारी हुई तब लैपटॉप स्मार्टफोन बांट रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। लास्ट में 3.5-4 साल हो गया, कुछ भी नहीं किए हुए। अच्छा, तो लैपटॉप आपको नहीं मिला तो इसलिए आप? ना उसके लिए नहीं, अखिलेश यादव बस, यादव हूँ और यादव का सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, यादव है इसलिए यादव का सपोर्ट, ये तो यादव है तो इसलिए यादव का सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे और लोग भी हैं, यहाँ पे चाय वाले भैया से भी पूछते हैं कि वो जो इतनी शिद्दत से यहाँ पे चाय बना बना के सबको पिला रहे हैं, वो किसको वोट करना चाहेंगे? यहाँ पे चाय वाले भैया, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम प्रेम कुमार। प्रेम कुमार, अच्छा ये बताइए कितने समय से चाय बना रहे हैं आप? 7-8 साल हो गए। अच्छा, आप ये बताइए सरोनी नगर विधानसभा में आप हैं, आपकी ये चाय का दुकान कितने सालों से चली आ रही है, आप ये बताइए कि जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें आप किसको अपना नेता चुनना चाहेंगे? ये मेरे हिसाब से तो होगा नहीं, देखो जनता जिसे नियुक्त करेगी वही होगा। मतलब ये है कि जिस जनता जनता जिससे ज्यादा प्रभावित होगी वो आएगा। आपकी अपनी कोई राय नहीं है? हाँ देखो, मेरे भी वोट नहीं आई है। मेरी वोट नहीं आई है? नहीं तो आपने पिछली बार भी वोट दिया होगा ना, तो किसको दिया होगा, क्या सोच के दिया गया होगा? मैं भी 18 साल का हुआ नहीं हूँ सबसे। अच्छा, आप 18 साल? अभी एज नहीं हुई। भाई ये तो 18 साल के हुए नहीं, इन्होंने वोट अभी दिया नहीं है, अभी जब 18 के हो जाएंगे तो उसके बाद विचार करेंगे कि इनको किसको देना है। फिलहाल हम और लोग भी आइए ढूंढते हैं कि यहाँ सरोनी नगर विधानसभा से लोग किसको चुनना चाहेंगे और किसकी बात मानना चाहेंगे, क्या होना चाहिए। आपका नाम क्या है? विवेक सिंह।
विवेक जी ये बताइए, सरोनी नगर विधानसभा से ही आप हैं जी, तो आप क्या चाहते हैं कि आपका नेता यहाँ का जो विधायक हो वो किस तरीके का होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सोई नगर का विधायक इस तरह होना चाहिए जो सोई नगर में विकास करे। जो यहाँ की मौजूदा विधायक है स्वाति सिंह, सोई नगर की जनता उनसे विकास के रूप में उनको चुना था कि विकास करेंगे, लेकिन उनके पास विकास का टाइम नहीं, वो बीयर बार का उद्घाटन कर रही हैं और सोई नगर जनता में दोबारा सोई नगर के बीच में नहीं आ रही है। और जो इस बार जनता विधायक चुनेगी जो विकास का करे उसको विधायक बनाएगी सोई नगर जनता। पर उनका कहना तो ये है कि हम जगह जगह विधायक कर रहे हैं, मात्र शक्ति सम्मेलन उनका हो रहा है और कई ऐसे जो और भी क्षेत्र हैं उसमें, वहाँ पे गुरगुरी का तालाब एक उन्होंने किया जो बहुत पुराने समय से होता चला आ रहा था, उसका उन्होंने जीर्णोद्धार करने का उन्होंने मोर्चा उठाया है। बाकी यहाँ सड़कें और यहाँ की जो पार्क वगैरह हैं उन सब पे उन्होंने काम किया है, वो तो कहती हैं कि हमने बहुत काम किया है। वो सिर्फ जनता को गुमराह कर रही हैं। अभी जब बरसात होती है तो आसियाना में, पूरे आसियाना परांग में पानी भर जाता है। उन्होंने अगर विकास किया होता तो विकास दिखाई पड़ता, लेकिन जब बारिश होती है तो विकास उनका बहता है पूरे लखनऊ में। अच्छा ये बताइए कि और क्या मुद्दे रहेंगे, आप क्या चाहते हैं जो हो, तो क्या क्या आपकी डिमांड रहेंगी अपने नेता से? हम लोग नौजवान हैं, नौजवान के अगर कोई नौजवानों को कोई अगर भविष्य संवार सकता हो तो माननीय अखिलेश यादव जी भविष्य बना सकते हैं उनको। माननीय अखिलेश यादव जी, क्योंकि वो युवा नेता है इसलिए आपको लगता है? जी वो युवा नेता है, हम लोग उनको पसंद करते हैं, इसलिए अखिलेश यादव को वोट देंगे इस बार हम लोग। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग काम धंधे और इन सब की बातें कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा है और कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा। तो मैं आपसे कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं कि एक पढ़ाई, एजुकेशन पे अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ खास होना चाहिए, किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए जो आप चाहेंगे कि आपका नेतामय हो? पहली बात तो जनता, मैं ये कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को, जनता किस आधार पर उसको वोट दे? भारतीय जनता पार्टी को जनता क्यों वोट देगी? वो शिक्षा में पहली बात फेल है, रोजगार में फेल है, स्वास्थ्य में फेल है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, छात्रों को सही से शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है। जो जीरो फीस पर पढ़ाई पहले हुआ करती थी, आज वो ख़त्म कर दी गई है, फीस में इतनी वृद्धि कर दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस हर चीज़ के मामले में फेल हो चुकी है। हम लोग खुद पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो जो है इसमें तो भारतीय जनता पार्टी भाई फेल है। नहीं, अच्छा आपने पार्टी की बात की, शिक्षा फेल हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन एक बात बताइए कि अभी जो कोरोना काल चल रहा था उसमें ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई और उस ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आपकी कॉपी किताबों का खर्चा बचा है। अगर वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं करती तो आप किस तरीके से पढ़ाई करते और किस तरीके से आप पास हो पाते? और आपके उसी बिहाफ पे, उसी टेस्ट के बिहाफ पे आपको पास किया गया, आपको नंबरिंग दी गई, तो ये अच्छी बात नहीं है? ऑनलाइन क्लास सभी बच्चे कर ही कहाँ पाए हैं, किसी के पास इतने उपलब्ध ही नहीं है कि डिजिटल चीज़ें ही नहीं उपलब्ध हैं। पहली बात तो गरीब बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाए, जो बड़े 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 प्राइवेट स्कूलों में ही ये सब हो पाया, बाकी सरकारी स्कूल के जो बच्चे थे या निम्न वर्ग के लोग थे वो सब तो इस शिक्षा के मामले में फेल हो गए, क्योंकि कुछ उन लोगों को पढ़ाई की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही थी, ना उनके पास ना कोई डाटा है ना मोबाइल है, तो इस सब चीज़ों में तो भाई शिक्षा तो बिल्कुल ही। जब उन्होंने ये सारी समस्याएं देखी तो उसी समस्याओं को देखते ही उन्होंने टैबलेट और लैपटॉप का वितरण शुरू किया। टैबलेट लैपटॉप तो उन लोग 2017 में जब सरकार बनी थी वो तभी बांटना चाह रहे थे, लेकिन उनको जब चुनाव आया तब उन्होंने बांटा है। ये जब पिछले 2020 से ही कोरोना आया था, लेकिन 22 में उन्होंने टैबलेट बांटा, बांटना तो उनको जब 20 में ही बांट देना चाहिए था कि तभी पढ़ाई शिक्षा सुधर जाती। आज क्यों उन्होंने बांटा है? चुनाव सर पे, इस वजह से उन्होंने बांट दिया है, बात इतनी है। शुक्रिया। यहाँ भाई सरोजनी नगर विधानसभा में तमाम लोग हैं और सरोजनी नगर विधानसभा में खासा एक निराशा देखने को मिल रही है। सरोजनी नगर विधानसभा की मौजूदा विधायक का, सरोजनी नगर की जो मौजूदा विधायक है स्वाति सिंह, उनकी तरफ से नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके रहते जो विकास कार्य होने थे वो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं और विकास कार्य नहीं हो पाए। वो चाहते थे कुछ और विकास कार्य करने के लिए लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अब उनकी उम्मीदें अखिलेश यादव से हैं, क्योंकि एक वो युवा नेता हैं और इन युवाओं का कहना है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो वो काफ़ी उनका यहाँ पर विचारेगा। इस वक्त हमारे साथ एक दादा मौजूद हैं जो एक जूते की दुकान लगा रहे हैं। कि दादा क्या नाम है आपका? रमाशंकर गौतम। कितने समय से ये दुकान लगा रहे हैं? हो गया 5 साल। 5 साल हो। हाँ। आप यही सरोजनी नगर विधानसभा से ही हैं? हाँ। तो वोट कई सालों से आप देते आ रहे होंगे? हाँ, दे रहे हैं वोट। दे रहे हैं, तो किसको वोट दे रहे हैं? अभी तो मायावती देते थे। अच्छा। हाँ। मायावती को दिया, मायावती को वोट देने का कारण पूछ सकती हूँ?
आपने मायावती को वोट दिया था? ये जो है 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप देख ही रहे हैं कितना एक बवाल, एक दंगल सा मचा हुआ है। सब अपनी दावेदारी देने में लगे हुए हैं, कोई विकास की बात कर रहा है, कोई सुरक्षा की बात कर रहा है, कोई घर कर रहा है, कोई नौकरी की बात कर रहा है, कोई पढ़ाई की बात कर रहा है, तो सब है। तो आपका मुद्दा क्या, आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा, आप किसको चाहेंगे अपना नेता बनाना, अपना विधायक बनाना? अब तो पहले तो अखिलेश का जो है बनाना चाहता हूँ जो है। हाँ, तो क्या आपके दिमाग में आया जो आप अखिलेश यादव को बनाना चाहते हैं? मतलब आप मायावती से तुरंत, आप पहले आप मायावती दिए थे, अब मायावती से आप अखिलेश जी को बनाना चाहते हैं? अब दिखाई पड़ा जब उन्हें कोई, अभी तक तब कुछ वही नहीं है। हाँ, हाँ। जो दिन आएगा फिर देखा जाएगा फिर। हाँ, आपको अखिलेश यादव से क्या क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद का है ये हमारा खाना का हमारा हाथ पाँव चलता रहेगा, कोई देगा थोड़ी। अच्छा। ये इसमें लिए थे 10,000 रुपया ये मोदी सरकार में। हाँ। तो इसको 10 का 11,000 भर दिए। हाँ। तो दिल्ली से बनकर ये बोर्ड आ गया। हाँ। नगर निगम से। अच्छा। हाँ बस ठीक है। बाकी यहाँ दादा ने तो अपनी राय रख दी कि पहले वो मायावती को वोट दिए हैं और मायावती को वोट दिए हैं, लेकिन अब जो उन्होंने हैं 2022 में अपने जो वोट जो देने की बात है वो बदल चुके हैं और उन्होंने अब कहा है कि वो अखिलेश यादव को देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि, उनको लगता है कि अखिलेश यादव को अगर वोट दिया जाएगा तो उससे उनका काफ़ी मदद मिलेगी और उनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी उतरेंगी। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब और भी हैं जो यहाँ पर ये नाई का काम कर रहे हैं। ये कितने समय से हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शनि शर्मा है। शनि शर्मा जी। अच्छा, ये कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? ये मुझे 4-5 साल हो गया काम करते। 4-5 साल हो गया। आप इसी क्षेत्र के हैं? जी मैं इसी क्षेत्र का हूँ। इसी क्षेत्र के हैं। अब ये बताइए कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? जी क्या चल रहा है, अब शिक्षा के बारे में है भाई, अभी जो भी है सरकार आए भाई शिक्षा के बारे में देखना चाहिए ज़्यादातर। अच्छा जी। और तो भाई शिक्षा में क्या क्या चाहते हैं, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो आपको नहीं दिखी हैं अभी तक? जी वो तो दिखी हैं, हर सरकार में दिखी हैं, कोई उसमें कहने वाली बात नहीं है। वो जो भी सरकार आती है भाई अच्छा ही करती है। अच्छा। जी बाकी और अभी तो किसको वोट देने वाले हैं? जी अभी तो मेरा अभी 18 साल हुआ है, अब तो मैं सपा को ही देना चाहूँगा। सपा को जी। क्या कारण है? जी जो भी हो अब काम अच्छा होना चाहिए और क्या, अब तो पहला वोट है मेरा ये। अच्छा, जी ये पहला वोट है। जी अब वोट है, वोट देना है जी सपा को देंगे, अब देखेंगे अगर सही करेगी तो अगली बार देखा जाएगा। भाई यहाँ पे तो सपा की बयार बह रही है लगातार, सपा की बयार बह रही है, अखिलेश यादव की बाहर बह रही है, जबकि ये सरोनी नगर का क्षेत्र है, सरोनी नगर विधानसभा का क्षेत्र है और यहाँ पर अखिलेश यादव की बयार बह रही है, क्योंकि सभी का ये कहना है कि स्वाति सिंह जो मौजूदा विधायक है उनके रहते यहाँ पे बहुत काम नहीं हुआ और उनको लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार अगर आएगी तो उनको अच्छा एक आउटपुट मिलेगा, एक अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। बाकी और कुछ भी? ओ आंटी जी भी एक हमारे साथ में मौजूद है। आंटी जी क्या कहने वाले हैं? आंटी जी आप ये बताइए, 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, आप बहुत समय से वोट दे रही होंगी, आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? हम लोगों ने कमल को दिया था। कमल को दिया था। हाँ। कमल को क्यों वोट दे दिया? अच्छा, अब की बार साइकिल पे सोसुरे लगाने का। नहीं तो पिछली बार कमल दिया, अब साइकिल ऐसा क्यों? अब के मां लड़का कह रहा साइकिल लगाना। अच्छा, इस पर साइकिल पे रहना, साइकिल पे चलने को मिलेगा इसलिए? नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोलते बुढ़ापे में बिटिया। हाँ। लेकिन जो हकीकत है वो बता रहा है। हाँ। पापा उनके है नहीं। हाँ। जो लड़का कहता है उन्हीं के अनुसार हम लोग चलते। अच्छा, जो लड़का कहता है तो आपको सरकार से कोई मतलब? जो लड़का अच्छा, आपका जो आपका लड़का कहे, जो आपका लड़का कहेगा वो हो जाएगा। हम बता रहे मतलब महंगाई कम की जाए और सबको नौकरी दी जाए और सबका ध्यान रखा जाए और गरीबों का जाए और सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। हाँ। और सबको एक समान देखा जाए। और अगर साइकिल ने ये सब नहीं किया तब आप क्या करेंगे? वो तो अपना अपना नसीब है।
नसीब है, यानी 5 साल फिर झेलना पड़ेगा, फिर नया कमल। अरे नहीं भाई, अभी वोट की बारी नहीं आई है। वोट जिसका जो मनोता देता है, हमारा ये हमारी ये कहना है कि सबको जो है एक महंगाई कम करी जाए और सबको एक समझ जाए, जो लोग गरीब आदमी हैं, जो लोग रोज कमाने खाने वाले हैं, उनको काम करने दिया जाए। नहीं तो वैसे तो अभी सरकार ने बड़ी आयुष्मान योजना जो दवाइयों को लेके चली थी, एक उज्ज्वला योजना चली थी, तो उसके कई लाभ उन्होंने लाभार्थियों को दिए हैं, कई ऐसी चीजें उठाई हैं जिससे कईयों को लाभ मिला भी है। तो उसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि फ्री दवाइयां फ्री, और अभी कोरोना काल चला था उसमें भी सबके घर घर जाके उन्होंने दवाइयां बांटी हैं, तो क्या ये कम है? नहीं, ये ठीक है। हाँ। ये व्यवस्था सही है। हाँ। ये व्यवस्था जो हो रही है। हाँ। ये सही है। हाँ। ऐसे ही सहयोग देते ना, पब्लिक का भी ये है कि जैसे सब लोग प्रधानमंत्री कहें उसमें उनका साथ देना चाहिए, सहयोग। सही है, उसके बाद भी आप साइकिल को देंगे? अभी अभी वोट दिया नहीं है, वोट देने में अभी टाइम है। हाँ। वो तो तब की देखी जाएगी, लड़के सबने हाँ कह दिया, वोट जो जाता पता था थोड़ी है कि हमने, मतलब आपका मतलब बदल भी सकता है कि आप साइकिल भी दे सकती हैं और कमल भी दे सकती। लड़के बेटे ने हमसे कहा। हाँ। देखिए हमने कहा दिया, अभी वोट देने में टाइम है। हाँ। टाइम है। हाँ। लेकिन ठीक है, ऐसी व्यवस्था चलती रहे तो सबको आराम रहेगा और किसी को दिक्कत ना हो। भैया आंटी जी ने तो अपना निर्धारित कर लिया है, फिलहाल वो बेटे की उस पे चल रही हैं। बेटा अगर कहेगा तो साइकिल पे दे दो, और बेटा अगर कहेगा कमल पे दे दो तो वो हो जाएगा। बाकी तो ये है कि समय बताएगा, क्योंकि अभी वोट देने में तो बहुत टाइम है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी ये भी हो सकता है, कुछ भी वैसे हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमने सरोजनी नगर विधानसभा से लोगों की राय यहाँ पर जानी है। लोगों का यही कहना है कि यहाँ की जो मौजूदा विधायक हैं स्वाति सिंह, उनकी तरफ से यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि उनकी तरफ से यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ के लोग थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते इन लोगों ने कहा कि अब हम जो वोट देंगे वो अखिलेश यादव की सरकार को लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अखिलेश यादव की सरकार अगर आएगी तो विकास के कार्य होंगे, जैसा कि वो बोलते भी हैं कि उन्होंने कई विकास कार्य उनके लिए किए भी हैं और युवाओं के लिए भी खास ख्याल रखा है। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। तो आपने सुनी जनता की राय और जाना कि क्या है सरोजनी नगर में जनता का चुनावी मूड। हम फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा और किसी और क्षेत्र में जनता के मूड और राय को जानते हुए। तब तक देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।